जो जाति अपने रक्षक को भूलकर भक्षक की पूजा करती हो, उस जाति को डूबने से कौन बचा सकता है। सन 1946 में शहर कोलकाता के रक्षक थे गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय और भक्षक की भूमिका अदा कर रहे थे हुसैन साहिद सुरवार्दी। गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय किसी राजनीतिक दलों में शुमार नहीं थे, लेकिन विप्लवी अनुकूल चंद्र मुखर्जी के भतीजे होने के तौर पर उनके अंदर भी स्वदेशी भावनाएं पल रही थी। आमी कोनो पार्टी कोरी ना, कोनो पार्टी ते नहीं, मानुष विपदे पड़ले पासे किए जाना है। दूसरी तरफ सुरवार्दी मुस्लिम लीग के नेता अखंड बंगाल के मुख्यमंत्री थे। वह दिन था 16 अगस्त। मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए भारत से अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाने की मांग को लेकर 1946 के इसी 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के तौर पर घोषणा की। लीग की मांग क्या थी यह तो स्पष्ट था, पर यह जंग किसके खिलाफ थी इसका विचार हिंदू समुदाय के लोग नहीं कर पाए। उन्हें लगा यह विद्रोह गांधी या अन्ना हजारे की तरह झंडा लहराकर अनशन करना जैसा रही है। सालवार्दी तोहनकर चीफ मिनिस्टर सालवार्दी ওই বাড়িতে এক বাইজির কাছে যেত আর হরেন ঘোষ তার পাশে ফ্ল্যাটে তার অফিস ছিল। তো হঠাৎ এই দেশ ভাগ হবার একটা প্ল্যান কি কি হবে সেইটা নিয়ে ওরা নেশার ঘরে ফেলে চলে গেছে সেই কাগজটা। ওর বাইজি ইংরেজি তো বোঝে না, বাইজি কোনো দরকারি কাগজ এটা দেখুন। সেই প্ল্যানটা দেখে বললো এ বাজে কাগজ বলে ওই পাশে ফেলে দিল। বাইজি চলে গেল, ওর ঘর থেকে চলে গেল। চলে যাবার পর খানিকটা বাদে ওই প্ল্যানটাকে তুলে নিয়ে সিজে বেরিয়ে এখানে আসে যে এই প্ল্যানটা হচ্ছে গঙ্গার ওপারে হিন্দুস্তান থাকবে, গঙ্গার এপার থেকে সবটা পাকিস্তান হবে পশ্চিমবঙ্গ পুরো এলে মানে মুর্শিদাবাদ এ ও গঙ্গার এপারে ওপারে থাকবে হিন্দুস্তান, এপারে থাকবে পাকিস্তান। এই প্ল্যান হতে লেখা ছিল হাওড়া ব্রিজ ভাঙা হবে এটাও ছিল। হরেন ঘোষের কাছ থেকে এই খবরটুকু পাই, উনি তো জওহরলালের কাছে মানে দেশের লিডার তখন জওহরলালের কাছে ওটা পৌঁছে দেয়। পৌঁছে দেওয়ার পর আফটার অল উনি মারা গেল। 16 अगस्त को सुबह जब मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कोलकाता के कुछ इलाकों में हमला कर दिया तो तब भी उन हिंदुओं को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए शाम को कोलकाता के कुछ उच्च सोच रखने वाले हिंदुओं ने मुस्लिम लीग और भारत के कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से बुलाई गई मीटिंग में भाग लिया। उस मीटिंग में मंच पर आसीन थे ज्योति वसु, योगेन मंडल, हुसैन सुरवार्दी व खजा नजीमुद्दीन जहां पहले पाकिस्तान दो फिर मिलेगी भारत को आजादी के नारे लगाए। शाम को मीटिंग खत्म होते ही मुसलमानों ने धर्मतल्ला में हिंदुओं और हिंदू दुकानों पर हमला बोल दिया। 16 अगस्त और किसी संख्यक वॉलंटियर लीगर वॉलंटियर लाठी दिए মার্চ করে আপ টু বৌবাজার মোড় টু হরিশ্চন্দ্র আর স্লোগান হচ্ছে লড়কে লেগা পাকিস্তান। এটা শুনছি, তারপরে শুনতে শুনতে খবর এলো যে বেলেঘাটাতে দুটো গোয়ালাকে কেটে ফেলেছে। সেই শুনে বৌবাজারের মোড়ে রাইট মানে হিন্দু মুসলমানের লড়াই শুরু হয়ে 1946 के 16, 17 और 18 अगस्त को कोलकाता में खून से होली खेली गई, जिसे इतिहास के पन्नों में तांडव लीला के नाम पर लिखा गया था। मासूम हिंदू मुसलमानों के हफ्ते हिंसा की बलि चढ़ गई। अंग्रेजी अखबार में इन 3 दिनों को द ग्रेट कोलकाता किलिंग के तौर पर संबोधित किया गया। दूसरे विदेशी संवाददाताओं ने इसे वीक ऑफ लॉन्ग नाइव्स कहा। उस समय एक विदेशी संवाददाता कोलकाता में मौजूद थे जिनका नाम था फिलिप तलवाट। क्योंकि वे हिंदू या मुस्लिम नहीं थे, इसलिए विशेषज्ञ उनकी विवरण को निष्पक्ष मानते हैं। संवाददाता फिलिप ने इंस्टीट्यूट ऑफ करंट वर्ल्ड अफेयर्स संस्था की प्रधान वाल्टर रोजर्स को लिखी चिट्ठी में लिखा था कि भारत के सबसे बड़े शहर और ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे बड़े शहर
खुद एक नरभक्षक बन चुका है। किसी भी दुकान में दरवाजा तक नहीं बचा, जिन दुकानों को नहीं लूटा गया उनका सामान बाहर बिखरा पड़ा हुआ है, चारों ओर सिर्फ लाशें पड़ी हुई हैं। उन्होंने लिखा सिर्फ 3500 लाशों को इकट्ठा कर गिना गया है। ऐसे ही और कई सारी लाशें हुगली नदी में बह चुकी हैं, कुछ लाशें हाइड्रेन में पड़ी हुई हैं। कितनी ही लाशें हैवानियत के आग में जलकर राख हो चुकी हैं, हिसाब कोई नहीं दे सकता। 3 दिन बाद शहर में सेनाएं उतारी गई थीं। सेनाओं का अनुमान है कि लगभग 7000 से 10000 लोग इस जंग में मारे जा चुके हैं। इस हैवानियत का प्रत्यक्ष नायक थे मुस्लिम लीग के सुरवार्दी। उन्होंने कोलकाता में हुई एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मांग को लेकर जंग छेड़ते समय पुलिस और सेनाओं की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उनकी यही घोषणा ने सरेआम मुसलमान गुंडों की गुंडागर्दी में आग में घी डालने का काम किया। न्यू मार्केट इलाके का बम्बैया, कॉर्नवालिश बस्ती के मीना पंजाबी और हैरिसन रोड के मुन्ना चौधरी ने हिंदुओं को मिटाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। दिल्ली में उस समय नेहरू का अंतरिम सरकार का शासन चल रहा था। वे और उनके गुरु गांधी जी उस समय कोलकाता की तबाही में कोई भी भूमिका नहीं दिखा पाए। इस वजह से हिंदुओं ने इसी को उनकी किस्मत मान ली थी। बंगाल और कोलकाता में उन हिंदुओं को उस दुर्भाग्यजनक अवस्था से उठाने में जिन लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई थी, उनमें से एक हैं श्री गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय। वे मध्य कोलकाता के बहु बाजार इलाके की मलंगा लेन के रहने वाले थे। बहु बाजार इलाके में ही उनकी मांस की दुकान थी। विप्लवी अनुकूल चंद्र मुखर्जी उनके करीबी रिश्तेदार थे। वे राजनीतिक क्षेत्र में सुभाष चंद्र बोस को मानते थे। उनकी यही सोच गांधी जी के अहिंसा वाली सोच से अलग थी। वे मानते थे कि लड़ाई से ही अंग्रेजों को भगाया जा सकता है, पर कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ वे ताल्लुक रखते थे, खासकर डॉक्टर विधान चंद्र राय के साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा था। गोपाल मुखोपाध्याय अपने सोच विचार के आधार पर भारत जातीय वाहिनी नामक एक संस्था चलाते थे। वहां अपने शिष्य के साथ अस्त्र और बाहुबल की चर्चा करते थे। आम आदमियों को संस्था के बारे में पता नहीं था, लेकिन 1946 में मास किलिंग के समय उन्होंने हिंदुओं को बचाने में और मुसलमानों को रोकने में हिंदुओं के मसीहा बनकर मैदान जंग में उतर आए थे। अभी ওখানে থাকার সময় আমার এই লোকালিটি থেকে খবর গেল যে এখানে অ্যাটাক করেছে চাঁদের মুসলমান। এই এখানে মুসলিম এরিয়া একটা আছে। তখন আমি বললাম তোমরা এখানে দায়িত্ব নিয়ে থাকো, আমি আমার লোকালিটি মানে আমার পাড়ায় কি হচ্ছে আমি সেটা দেখি। তারপরে এসেই দেখি যে আমার বাড়ির সামনে কিছু কাঁচা জোগাড় করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে দরজার সামনে, দরজা বন্ধ, বাড়ির মেয়েরা সব ভেতরে আছে, আর সামনে একটা পানের দোকান ছিল সেইটা ভেঙে লুট করে। তারপরে আমার হাতে একখানা শর্ট ছিল, সেই শর্টটা দিয়ে যে লুটেরা ছিল তাকে একটা কোপ দিই, সে কাটা পড়ে। তারপরে কাঠের পিলার ছিল, পিলার লেগে ছোট ভেঙে তখন এক গাছা স্টিক নিয়ে তাদের তাড়া করে পালিয়ে যায়। আমার আইডিয়া ছিল না যে লড়কে লেগা পাকিস্তান এই কথাটার ভাষা হচ্ছে লড়াই করব, কিন্তু যে লাইফের বিনিময় যে ছিনুমিনি খেলা হবে এই জিনিসটা আমি আমার আইডিয়ার বাইরে যে একটা মানুষকে গুলি করে মারতে হবে তখন দেশকে বাঁচাতে হবে, পাকিস্তানে চলে যাবে আরো নির্যাতন, দেশকে বাঁচাতে হবে। এই চিন্তা করে আমি সব লোকাল ছেলেদের কল করে বললাম দেখো ওরাও যা করছে তোমরাও তাই করবে, তবে এখন দেখছি বর্বরতা দ্বারাই বর্বরতা দমন হবে। সুতরাং ওরা যদি কানে শোনো যে একটাকে মেরেছে তোমরা 1-10 করবে, তোমরা 10টাকে মারবে, তবে এটা বন্ধ হবে, মারবে মানে আধমারা করবে না, একদম খতম করবে। उनके अलावा हिंदुओं की रक्षा करने में विशेष भूमिका निभाई थी श्री युगल किशोर घोष ने। कोलकाता के सिख समुदाय और बिहारी लोगों ने भी इस जंग में जमकर लड़ाई कर लड़ी थी और उनके नेतृत्व में थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जब मार खाकर हिंदुओं ने प्रतिशोध लेने के लिए आगे बढ़े
तो सुरवार्दी ने अंग्रेज सरकार से अनुरोध कर विशाल सेनाएं उतारी, पर कुछ दिनों के अंदर मुस्लिम लीग को इस जंग में हुए उनके क्षति का अंदाजा हो गया, क्योंकि गोपाल मुखर्जी और उनके साथी 1:10 फॉर्मूले के हिसाब से लड़ रहे थे। आखिर में मुस्लिम लीग के छात्र लीग के प्रधान जीजी अजमीरी और मुस्लिम नेशनल गार्ड के सदस्य शेख मुजीबुर रहमान, जो बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने, उन्होंने गोपाल मुखर्जी के पास जाकर इस हिंसा को बंद करने का अनुरोध किया। लेकिन इसके बाद भी हिंदुओं की हत्या रुकी नहीं। 1946 के 10 अक्टूबर को पूर्णिमा के दिन पूर्व बंगाल के जिला नोआखाली में मुस्लिम लीग के एक और नेता गोलम सारोयर के नेतृत्व में शुरू हुई हिंदुओं की हत्या। आखिर 1947 का वह समय आ ही गया जब 14 अगस्त को देश का बंटवारा होगा। पहले आजाद पाकिस्तान बनेगा और फिर 15 अगस्त को भारत को आजादी मिलेगी। मोहनदास गांधी ने फैसला लिया था कि उस दिन वे दिल्ली में नहीं रहेंगे, नोआखाली में पीड़ित हिंदुओं की देखभाल के लिए वहां जाएंगे। उनके 9 अगस्त को कोलकाता आते ही सुरवार्दी और दूसरे मुसलमानों ने उनसे उनकी हिफाजत करने का अनुरोध किया, क्योंकि बंटवारे के कारण मुसलमान सेनाएं पाकिस्तान लौट रही हैं और इस वजह से वो यहां सुरक्षित नहीं है। उनके इस अनुरोध से गांधी जी मुंह नहीं फेर सके और नोआखाली में हिंदुओं की जगह कोलकाता में मुसलमानों की हिफाजत के लिए लग पड़े। हिंदुओं ने उनके इस फैसले को मंजूरी नहीं दी, पर गांधी जी ने हिंदुओं से अनुरोध किया कि वे इस समय वो हिंसा को भूलकर सारे युद्ध के सामान उन्हें लौटा दें, पर गोपाल बाबू ने इसे अनसुना कर दिया। तब गांधी जी के सचिव ने गोपाल बाबू से पूछा कि वे अस्त्र क्यों नहीं लौटा रहे हैं। जखन कलकत्ता ग्रेटर कलकत्ता खूनटा होलो तखन गांधी जी कोथाय छिलेन? जे अस्त्र दिए मां बोनेर इज्जत रक्षा करेछि, महल्ला रक्षा करेछि, সে অস্ত্র আমি একটাও জমা দেবো না, এবং একটা যদি ছুঁচ দিয়েও কাউকে মেরে থাকি সেটাও জমা দেবো। কুছ দিনও পহলে বাংলাদেশ কে বিদেশ মন্ত্রী दीपू मणि कोलकाता आए थे। फिर वे सुरवार्दी के जन्म स्थान को देखने मिदनापुर गए, अर्थात भारत का बंटवारा करने वाले और हिंदुओं को मौत के घाट उतारने वाले होसेन सुरवार्दी के जन्म स्थान को हम अभी भी सम्मान देकर हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन 1946-47 के हिंदुओं के मसीहा गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय को हम भूल चुके हैं। जो इतिहास को भूल जाते हैं उन्हें इतिहास माफ नहीं करता है। सभी राजनीतिक दल आज एकजुट हुए हैं मुस्लिम वोटों के पक्ष में। 1946-47 के हिंदुओं की चीख को भूल चुके हैं, लेकिन अंजाम में आज बंगाल के गांव में वही भयंकर दिन लौट रहे हैं। इस सच को सब छुपाना चाहते हैं। कालियाचक, चोपड़ा, इस्लामपुर, नलियाखाली, उस्ती, मलिकपुर, कालीगंज, हंसखली, समुद्रगढ़, पंचग्राम, बादूरिया, संदेश खाली, बगा खाली की घटनाएं फिर से उस खून से लथपथ दिनों को आगाज दे रही है। राजनीति के काले चश्मे पहनकर इसे देखा नहीं जा सकता, इसलिए बंगाल के हिंदू नेता श्री तपन घोष ने एक बार फिर इस जंग की आगाज को समझकर हिंदुओं के वीर नेता गोपाल मुखर्जी की 40 के दशक की कोलकाता को रक्षा करने में गौरवमय भूमिका को स्मरण करवाया है। वे आज की युवा पीढ़ी को, आज के पश्चिम बंगाल को जिहादी नीति से मुक्त कराने में आमंत्रित किए हैं। आइए इस दिन हम हिंदुओं के वीर नेता गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय को हमारी श्रद्धांजलि अर्पित करें। संग्राम से प्रेरित होकर बंगाल की मिट्टी को हर हाल में रक्षा करने की प्रतिज्ञा करें। 16 अगस्त शुक्रवार सिंह वाहिनी के आह्वान पर सन 1946 के हिंदुओं की रक्षा करने वाले गोपाल चंद्र मुखर्जी की याद में महारैली में शामिल होकर श्रद्धानंद पार्क में दोपहर 1 बजे सभा में उपस्थित हों।